देखिए, चुनाव के समय में भी जनसंपर्क में मैं यहाँ आया हुआ था। ये नान दमाली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। बकर लोटा हो गया, परसा कचार हो गया, और ये महादेव डांड हो गया। तो ये सब पहुंचविहीन रास्ते हैं, ये जो बसे हुए बसाहटे हैं, जहाँ पे रास्ता भी नहीं है, ना पीने के लिए लोग कुएं के पानी पीते हैं। तो ये सब चीज़ें चुनाव के दौरान भी हमने देखा था, उसके बाद भी आया था, लेकिन एक उचित समय के इंतजार कर रहे थे। और आज तमाम विभागों के अधिकारी के साथ में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और लोगों की समस्याओं को भी जानी, ऑलरेडी संज्ञान में था, और तत्काल निदान निकालने का प्रयास किया है। कुछ डेड लिमिट टाइम हमने दिया है कि 30 तारीख तक बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको हम लोग दूर करेंगे। और तत्कालिक रूप में इन सभी बस्तियों में एक एक हैंडपम्प के लिए भी हमने विधायक मत से सेंक्शन दिया है। वो भी रास्ता को ठीक करने के बाद, जैसे बारिश थोड़ी रुकती है, वो खनन किया जाएगा और सदियों से जो यहाँ कुएं के पानी वाली समस्या है वो समाप्त होगी। रोड की समस्या को लेकर अभी यहाँ के जो ग्रामीण है बात कर रहे थे कि 30 तारीख तक छलेबुल रास्ता बनाएंगे। किस तरह का रास्ता बनेगा और आगे इस रोड के लिए क्या करने का सोच रहे हैं? देखिए, अभी तत्कालिक रूप में जिस हिसाब से इन बस्तियों में प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृति हुई है, लेकिन एक रास्ता गाड़ी नहीं पहुंच पाने के कारण से क्या है, यहाँ मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस कारण से ये समस्याएं हो रही है। और जो घर, जो मोदी जी का पूरे देश को एक पक्का मकान देने का जो सपना है, वो अधूरा रह रहा है। तो उसको देखते हुए क्या है, तत्काल रूप से एक चलने लायक रास्ता 30 तारीख तक बनाया जाएगा ग्राम पंचायत द्वारा, और मटेरियल्स वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे।